तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम पटना गाइस, और अभी हम लोग निकल रहे हैं राइड पे। जैसा कि आपको बताया था, 6:30 तक अपने को निकलना था। टाइम भी ऑलमोस्ट 6:30 हो चुका है, थोड़ा सा टाइम बचा है मतलब। तो अभी पहले तो चलना है, हमारे एक पिलियन राइडर हैं उनको रिसीव करना है, उसके बाद फिर रॉयल इनफील्ड के शोरूम, उसके बाद वहाँ से हम लोग फिर निकलेंगे सारे के सारे अपने एक साथ लाइन अप करके, फ्लैग ऑफ वहीं से होगा। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं दानापुर, दानापुर से उसको रिसीव करते हैं राज को, और उसके बाद फिर मिलते हैं। तो राज के घर के पास पहुंच चुके हैं, तो अभी राज को एक बार पहुंच के भी कॉल करना पड़ेगा कि कहाँ है वो। तो सारे राइडर आ चुके हैं, अभी यहाँ से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का राइड स्टार्ट होता है। हमारा बाकी सामान जो भी था ये इस गाड़ी में चला गया है, और आरे से हमारे साथ हैं, तो हमें कहीं दिक्कत भी होता है तो चलेगा। बाकी सारी बाइक्स हमारी यहीं पे हैं। एक आरे से हमारे जस्ट बगल में खड़े हैं, मतलब आरे से की बाइक, ये आरे से की बाइक हो गई। ये चला रहे शशांक भैया, और समीर तुम ये चला रहा है ना, इंटरसेप्टर ना, और मेरी पैंथर इधर खड़ी है, माय फेवरेट 650 सीसी। ओके, तो फिलहाल सारे राइडर्स रेडी हैं और अब निकलने की तैयारी। बाकी पैकेज हो गया, अब लगेज वगैरह सब चीज़, निकलते हैं अब राइड पे। बीच रास्ते में मिलते हैं आपसे, तब तक स्टे ट्यून्ड। राइड हो गई है स्टार्ट, सारे राइडर आ चुके हैं, लाइन अप हो जाएगी कुछ देर में। फ्यूल स्टेशन के पास सारे लोगों को चलना है। मेरी गाड़ी में फ्यूलिंग काफ़ी है, मतलब मैंने फुल टंकी रात में ही करा लिया था, तो अभी मुझे ज़रूरत है नहीं। आपको पता ही है, मैंने रात में सारा लगेज वगैरह से लेकर सारा चीज़ फिट रात में ही मैंने कर लिया था। अब सीधे राइड पे फोकस सिर्फ करना है। अब बाकी अपना समीर, ओहो इंटरसेप्टर, क्या बात है, पूरे जोश में लग रहा है लौंडा भाई। ओह भाई साहब, सोनपुर दीघा ब्रिज, और भाई इंटरसेप्टर जब भी थॉटल दे रहा है ना भाई समीर, तो क्या ही गजब का आ रहा है भाई। अभी जब भी ये थॉटल देगा, मैं कोशिश करता हूँ इसके नज़दीक रहने का, और अभी देखो क्या जबरदस्त भाई, क्या जबरदस्त। ओ भाई साहब, मस्त लग रही है भाई इंटरसेप्टर यार, सही में बवाल है, बवाल चीज़ तो है भाई। एक तो ऑफ रोड, देखो ये है क्या कि लंबे जर्नी के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। GT Continental थोड़ी रेसिंग टाइप मूड में आती है, और इसकी हैंडल जो है क्रूजर टाइप है। तो फिलहाल JP Sethu, हम लोग JP Sethu पहुंच चुके हैं, और यहाँ अभी हमारे कुछ राइडर बहुत स्लो चल रहे लगता है, तो वो बहुत पीछे ही है अभी फिलहाल। धीरे होने का इशारा, भैया धीरे हो जाओ सब लोग, जाम फेस कर रहे हैं आज। मतलब JP Sethu ख़त्म हुआ है, और जैसे ही लालू यादव चौक के लिए जो सोनपुर के साइड से मुड़ते हैं, वहाँ से अभी तक देख रहे हैं आप, तो थोड़ा सा ट्रैफिक टाइप है, बट पीछे तो पूरा जाम था। अभी भी देख लो कंडीशन वैसा ही है। अभी ये ऑटो वाले भाई साहब, ओ भाई ओवरटेक ना करेंगे ना करेंगे, जाम लग जाएगा यार। राइड में एक यही सबसे बड़ा चीड़ा आता है यार, जाम में फंसने का बहुत गुस्सा आता है उसके बाद। क्या ही बोला जाए भाई, क्या ही बोला जाए, देखते हैं कितना देर में जाम खत्म होता है। नेक्स्ट लेवल जाम। अब तो यार सबसे बड़ा चीज था, पहले रेलवे गुमटी की वजह से भी दिक्कत होता था, अब तो वो है भी नहीं। अब तो जब से अंडर पास बना, उसके बाद से जाम खत्म हो जाना चाहिए था। ये आज कुछ ज्यादा रश है। ये देखिए, अभी जाके यहाँ से थोड़ा कम है तो अब भागते हैं। टोल प्लाजा के पास रुके हैं, और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हाईवे, ये एक्चुअली है मुजफ्फरपुर का टोल प्लाजा है। तो हाँ आई थिंक हाँ मुजफ्फरपुर एंट्री के लिए टोल प्लाजा है, और अभी सारी बाइकें लगी हैं। कुछ लोग पीछे छूट गए हैं, क्योंकि हमारे साथ 9 बाइक थी और एक हमारे साथ एक बैकअप था,
बट अभी बैकअप का भी नहीं पता है और बाकी गाड़ियों का नहीं पता है। बाकी समीर तो भ्रूम भ्रूम करके निकलता जा रहा था क्योंकि डबल एग्जॉस्ट का पावर भाई ये क्या ही, ये किलर मशीन लेके चल रहा है। 650 बेचने का इसको, ठीक है। बाकी सारे बाइक आ चुके हैं, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 6, यानी कि 6 3 ने, तीन लोग गायब हैं अभी भी, तो तीन लोगों का वेट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे का कुछ करेंगे। फिलहाल अभी हेलमेट वेलमेट खोल के थोड़ा देर रेस्ट मारेंगे और बाकी भाई लोग भी यहाँ हैं तो थोड़ी देर के लिए स्टे करेंगे इधर और उसके बाद जैसे ही वो लोग आते हैं देन फिर अपना यहाँ से मूव करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड ब्रो। स्टे जो था वो ख़त्म, अब हम लोग यहाँ से आगे निकल रहे हैं मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ते हुए और धीरे धीरे जो भी जगह पे रुकेंगे तो बताते चलेंगे और आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। फिलहाल लगता है टाइम तो लगेगा भाई, क्योंकि टाइम इसलिए क्योंकि हमारे पास जो गाड़ी है RSA वाली वो थोड़ा सा विंड ब्लास्ट की वजह से स्लो चल रही है। आप देख रहे होगे कितने सारे पैनियर्स पूरा फिटेड है, इसकी वजह से थोड़ा स्लो हो जाती है गाड़ी। गए, यही होता है हड़बड़ी का नतीजा। ये देखिए हड़बड़ में कर दिया इन्होंने गड़बड़, बच गए, बहुत भाग से बचे हैं। अब तो आप बोलोगे ही उसका गलती, खुद घुसे जा रहे हो बीच में, बड़ी गाड़ी है ये तो देख नहीं सकते हो। देख लीजिए यही हड़बड़ में एकदम नहीं होने का, आराम से जगह मिले तो निकलो अदरवाइज रुको। अभी फिलहाल रुके हुए हैं और बेतिया से बाहर, बेतिया से थोड़ा सा आगे रुके हैं, ज़्यादा थकान हो गया, थोड़ा ऑफ रोड इतना करना पड़ गया यार, बीच में क्या ही सरकार कर रही है भगवान जाने, पूरा रोड ख़राब, उसके चक्कर में मेरा गाड़ी एक गड्ढे में जंप कर गया। फिलहाल सारे लोग अभी वेट कर रहे हैं, अभी तो गड्ढे से बचे, अभी सारी गाड़ियों का लाइन अप हो चुका है, कुछ लोग अभी बाहर हैं वो लोग भी तुरंत ही आएंगे, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं अभी तो। अब थोड़ा खाना वाना खाएंगे उसके बाद निकलेंगे यहाँ से, उसके बाद वाल्मीकि नगर अच्छे व्यू के साथ, ज़्यादा जब अच्छा व्यू रहेगा तो ही वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज अवॉइड करें। 25 किलोमीटर बचा है यहाँ से। अब देखो यार थकान तो हो गया क्योंकि ऑफ रोडिंग बहुत हो गया, ठीक है, देख रहे हो सभी लोग अकड़े पड़े हैं तो अभी थकान की वजह से, एक्चुअली थकान नहीं, कुछ राइडर्स हमारे पीछे हैं तो उनकी वेट कर रहे हैं, वो आते हैं देन आफ्टर हम लोग निकलेंगे इधर से। फिलहाल उनको हमने लाइव लोकेशन अपना शेयर कर दिया है, अब देखते हैं कितने देर में वो लोग पहुंचते हैं यहाँ। सो भाई साहब लगता है आ गए, चलो फिर ठीक है। दो अरे भैया अकड़े पड़े थे आप, क्या आप पकड़े पड़े थे पूरा, ये कर रहे हैं, क्या बात है, दर्द हो रहा है कमर में यार। एक समय था कि 550 किलोमीटर एक दिन, 550 किलोमीटर, ओ भाई। ऐसे तो देखिए फर्स्ट डे का हमारा भी एक रूटीन है, अगर हम 1000 या उससे ऊपर किलोमीटर का राइड करें तो हमारा है 700 डेफिनेटली एक दिन में कंप्लीट करना, क्योंकि अगले दिन से क्या होता है 400-500 पर अटक जाता है। आप लोग सीनियर राइडर हो ना, अभी हमारे शक्ति सर इधर रॉयल एनफील्ड के CRT, मतलब ये इनका प्रोफेशन राइडर का बाप है, मतलब पूरे टाइम ये घूमते ही रहते हैं। सोचिए तमिलनाडु का नंबर है और ये शायद वहाँ से बाइक भी लेके आया ना, उधर आशीष भाई वो सब हिमालयन लवर भाई, और ये तो हिमालयन लवर लगता है बहुत ज़्यादा है, इनका एग्जॉस्ट वगैरह एकदम मतलब क्या ही फारू है ना, आफ्टर मार्केट है हाँ पता है, बट वो RE का है, हाँ पूछिए एकदम कंफर्म आइए। शक्ति सर आपका जो एग्जॉस्ट है ये आफ्टर मार्केट है या RE का है? आफ्टर मार्केट है, लेकिन आवाज़ बहुत स्मूथ करता है, मतलब ये नहीं कि पुलिस को वो नहीं होता है, इनलीगल टाइप नहीं लगता वो जो होता है ना सब, उसमें भी ब्रांड होता है, आफ्टर मार्केट में भी ब्रांड होता है। हाँ तो ये लग भी रहा है, ये तो खरीद के इसके अंदर का बैरल हम खुद फैब्रिकेट किए हैं। वाह, थंडरबर्ड में जो है ये आपको खाली राइट वाला रास्ता लेना है, सिर्फ राइट वाला थंडरबर्ड वाइल्ड बोर्ड का जो है 6000 में भी आता है और 2000 में भी आता है, चल जाए। तो फिलहाल लगता है कि हमारे बाकी राइडर आने ही वाले हैं, तो अभी पहले तो अपना चाबी निकालो यार, चाबी इसी में छोड़ दिया हूँ, चाबी निकालो, जैसे ही आते हैं हम लोग भी निकलेंगे।
मैंने गाड़ी को एक्सचेंज किया है समीर की गाड़ी के साथ, तो अभी मैं इंटरसेप्टर चलाऊंगा। अब भैया की भी हिमालयन बगल में, थोड़ा इंटरसेप्टर चला के देखते हैं यार कैसा लगता है। ऐसे हमारे हाथ तो बैठी नहीं है इस पर, बट कोशिश करते हैं। ओ भाई आवाज तो तगड़ा है। ओ भाई भाई भाई, ओ भाई कुछ ज्यादा ही पिकअप है भाई, कुछ ज्यादा ही है। मतलब यार थॉटल दिए नहीं, सीधे 100 भाई। लग मस्त रही है भाई, कुछ भी कहो चलाने में मजा आ रहा है। और सबसे अच्छा चीज इसका क्या है ना, हैंडलिंग मतलब वो है अपसाइड में है तो थोड़ा फायदा है इस चीज का। तगड़ी बाइक है भाई, मेरे को ये गाड़ी ना इसका ये तो हैंडल के वजह से थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। जीटी कॉन्टिनेंटल भी बहुत अच्छी है, बट उसमें क्या है ना कि जो लोग लीन होके चलाने के शौकीन है ना, उनके लिए वो बेस्ट गाड़ी है। रीज़न कि उसका थोड़ा स्पॉटी लुक है और वो थोड़ा नीचे झुकना पड़ जाता है, और इसमें वो नहीं है। इसमें क्रूजर टाइप है, ऑफ रोडिंग मतलब लंबा जर्नी के लिए बहुत बेस्ट ये भी है। आप सीटिंग पोस्चर अगर चेंज कर लेते हैं देन इट्स गुड, बट ऐसे सीटिंग पोस्चर थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लगा। रीज़न इसकी नॉर्मल सीट है उतना, मतलब ये भी नहीं बोलूँगा कि एकदम बर्बाद सीट है, लाइक कम्फर्ट है, बट 500-1000 किलोमीटर के लायक मैं तो नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी तो हार्डली 5 किलोमीटर भी नहीं चलाया हूँ, बट हो सकता है बहुत लोग चला भी लेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ी सीटिंग पोस्चर को आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर लें तो मज़ा आएगा। फिलहाल ऑफ रोडिंग काफ़ी हो रहा है भाई, मतलब रास्ते पूरे के पूरे इधर खराब ही है। और इधर देख रहे हो गन्ने की खेती कितनी होती है, मतलब अभी तक हमने कम से कम 100+ ट्रक और ट्रैक्टर्स, अलग ट्रैक्टर का अलग काउंट देखा अभी तक। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई, बस ये ऑफ रोडिंग की वजह से थोड़ा सर दर्द हो गया है। एक मिनट ज़रा कैमरा का एंगल सही कर ले भाई। अच्छा ये गैस कनेक्शन के लिए यहाँ पे, और ये मतलब फॉरेस्ट विभाग का ही ये डिपार्टमेंट है, परिवहन शायद फॉरेस्ट कुछ करके लिखा हुआ था, मैं ध्यान से पढ़ नहीं पाया। नेक्स्ट जो बोर्ड होगा मैं वो पढ़ के आपको बताऊंगा। तो ये हम कुछ हद तक जंगलों के आसपास ही है, ठंड बढ़ गई है तो अभी मेरे को फिर से निकालना पड़ेगा लाइनर और फिर से लगा के पहनना पड़ेगा। और यहाँ पर भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि हमें गाइड करने वाले हैं, आशीष के कोई दोस्त लोग हैं, और अभी हम जंगलों के तरफ प्रवेश करने वाले हैं। तो सब लोग पहले यहाँ गाड़ी लगाएंगे। ओह अच्छा अंदर लगाने वाले हैं अभी, ओके। तो हम लोग अभी यहीं आज लगता है स्टे करेंगे, ओके। कि खाना खाएंगे कि स्टे करेंगे मुझे आइडिया है नहीं, ये तो यहीं पर डिसाइड होगा। चलो भाई तो जंगलों के बीच पहुँचते हुए अपन चलो भाई डरा के रखे हुए अपन को, बोल रहा है कि भाई बाहर कैंप लगेगा तो बहुत दिक्कत होगा। क्या क्या दिक्कत होगा आशीष भाई बताइए जरा। एनक्लोजर एरिया सॉरी कंपाउंड है जिसके अंदर फेंसिंग है तो अंदर सेफ है। हाँ बाहर गए अब रात में, मान लो सुसु करने गए और अचानक से लेपर्ड बोलता है तो सुसु भी नहीं हो पाएगा और सुसु हो भी जाएगा, समझ गए, तो बेटर इज अंदर रहते तो समझ रहे हो ना, इसीलिए अंदर रुकना है। फिलहाल टेंट लगाते हुए समय में वीडियो बनेगा तो देखते हैं कैसे, क्योंकि 14 टेंट लगना है। 14 तो लोग 14 7 होगा, 60 टेंट लगे, ओके 60 टेंट लगे। बाकी देखिए महान महानुभाव लोग खा रहे हैं इधर, बड़े भाई लोग इधर भी, एक बड़े भाई हैं हमारे, बाकी इधर दोस्त लोग हैं। डॉक्टर साहब ये रॉयल एनफील्ड के डॉक्टर हैं और ये रॉयल एनफील्ड के राइडर हैं, बाकी उधर भाई लोग हैं अपने। तो सबसे तो आप मिल नहीं पाएंगे भाई फेस, रीज़न कि सारे लोग गाड़ी चला रहे थे तो इस वजह से कोई किसी को देख नहीं पाया। एक देखिए कोने में फ़ोन यूज़ कर रहे हैं बहुत प्यार से, तो अभी उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। रजत भाई उधर हमारे, देखिए डिस्टर्ब हो ही गए और रजत भाई क्या कर रहे हैं, अरे रजत भैया क्या कर रहे हैं, जॉन सीना। मैं यार कुछ वीडियोज़ देख रहा था, बहुत थक गया हूं मैं। किसका
किसका वीडियो? नहीं नहीं मेरा वीडियो तो नहीं था ब्रो, सॉरी, हम देखे थे, हम देखे थे वो रोहतासगढ़ वाला भाई, अपना कच्चा बादाम देखा, बठाना खा रहे हैं इधर भैया हमारे, थक खाड़ के आए हैं। इसका बढ़िया शक्ति सर, हेलमेट में कैमरा लगा लिया है, बहुत बढ़िया। शक्ति सर कुछ बोलना चाहेंगे? आंख मारेंगे से? कल बोलेंगे, अभी हालत भैया को नहीं डिस्टर्ब करेंगे, खाते वक्त उनको डिस्टर्ब कीजिएगा तो लेपट बन जाते वो दिक्कत है। फिलहाल सारे लोग खाना वाना हो गया है और कैंप लगाते टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी कैमरा को निकालते हैं हेलमेट से पहले। तो फिलहाल कैंप हमारा लग गया है और बाकी लोगों का भी कैंप लग रहा है। दिक्कत यहाँ पे तो आपको बता ही दिया आशीष भाई कि थोड़ा सा है, लियोपार्ड वगैरह का दिक्कत है। रूम का भी ऑप्शन था बट वी वांट एडवेंचर मोर, तो इस वजह से वी आर सेटिंग अ कैंप हियर। ऑलमोस्ट सेट हो चुका है 3-3-2, तो सब ऑलमोस्ट सेट हो गया। अब अपना कैंप के अंदर चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादा थकावट हो गया है, फिर सुबह मिलेंगे नए वीडियो में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, और फिर मिलते हैं नए वीडियो में।